हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पर बाहर, अकेला बाहर, मस्त झूले पर झूलते हुए। अभी अभी स्कूल से आए थे और मैं आ गया यहाँ पर बाहर मस्त खुली हवा में बैठने के लिए। और आज जैद का था स्कूल में लास्ट डे, तो उन्होंने खूब दोस्तों ने वगैरह उसके पूरे कपड़े वगैरह सब कुछ फाड़ दिए। यहाँ पर जो शर्ट में जो जेब होती है वो पूरी निकाल दी है स्कूल यूनिफॉर्म की। और अभी वो नहा धो रहा है अच्छे से, क्योंकि उसको पूरा भिगा दिया था। और वो कहता है कि उसने भी दो तीन दिनों के शर्ट फाड़े हैं और वो उसने भी भिगाया है। जैद का तो आज लास्ट दिन था, लेकिन मेरा लास्ट दिन नहीं है। तय कब हो पाएगा मेरा लास्ट दिन स्कूल का, छुट्टियां कब लगेगी। अभी तो 9th चल रहे हैं। और देखिए यहाँ पर मस्त धूप में दाल सूखने के लिए डाल रखी है यहाँ पर भी, और वहाँ पर है चने। और गैज, आजकल धूप बहुत तेज़ हो रही है भाई। रमज़ान में इतनी ज़्यादा धूप नहीं थी, उतनी ज़्यादा धूप हो रही है आजकल तो। तभी गाइस मैं यहाँ पर बैठा था और मुझे अभी अभी याद आया कि हमारे जो हमने जो मेथी के बीज बोए थे वो उगे हैं, मैंने सुबह देख लिए थे, तो आपको भी दिखा देता हूँ चलकर। और देखिए यहाँ पर पूरे ज्वारी के पोते रखे थे ना, इसलिए यहाँ पर इतनी सारी ज्वारी गिर गई है, इसको भी उठा लेना पड़ेगा। ये देखिए गाइस, यहाँ पर पानी भी चालू कर दिया, लेकिन पानी गलत जा रहा है, तो पाइप को लगा देते हैं सही से। पाइप को यहाँ पर लगाऊँगा तो पानी सही से जाएगा। और गाइज ये देखिए, ये सारे जो है ये मिर्ची के हैं पेड़, और ये रहे मेथी के। देखिए ये कितने तीन तीन चार दिनों में कितने ज़्यादा आ गए हैं। तो अभी पानी जा रहा है सभी को अच्छे से। और यहाँ पर हमने जो लाइन बनाए थे वो तो भूज गए हैं पानी दे देकर और बारिश से भी, तो ऐसे ही अभी पानी छोड़ दिया है मैंने, बस जाएगा। देखिए वहाँ से पानी वापस से घूम कर आ रहा है इधर, और यहाँ से भी छोड़ दिया अभी। तो अभी गाइस मैंने यहाँ पर मस्त पानी वगैरह तो दे दिया है उस पेड़ को भी, यहाँ पर भी, और अभी आम के पेड़ को चल रहा है, तो अभी चलते हैं बंद करने के लिए। तो अभी गाइस मैं दे रहा हूँ यहाँ के पेड़ों को पानी, देखे इमली का, आम के पेड़ को भी दे दिया है, फुल भरा है देखे। और यहाँ पर भी इतनी सारी दाल रखी है, थोड़ा सा कंपाउंड पर भी मार देते हैं। देखिए धूप की वजह से ये भी पेड़ पूरा सूख गया, आम का इसके अंदर था का। ये देखिए ये जो बड़ी वाली है, इसके अंदर के जो दाल है वो मुझे सूखने के लिए डालनी है ले जाकर सामने ताड़पत्री पर, तो चलते हैं। तो गाइस आज मेरे वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, अब मस्ती ही मस्ती करूंगा। इसका वो दवाई खत्म कर दिया मैंने। स्कूल ड्रेस के साथ क्या हुआ था? उसके ऊपर पानी डाला, मिट्टी डाला, रंग खेला, स्कूल में जाके धमाल कर रहा है। और जेब मैंने फाड़ डाली, और मेरे दोस्तों की भी मैंने फाड़ डाली, जेब फेंक के दे दिया धमाल। भाई मैंने अभी तक ऐसा कोई लास्ट दिन नहीं किया था, लास्ट डे स्कूल का, ऐसा पूरा रंग के आया था ये, और जेब वगैरह शर्ट वगैरह सब कुछ फाड़ दिया था, मैंने तो अभी तक ऐसा नहीं किया है कभी। तो अभी इसको डाल देते हैं सूखने के लिए। देखिए गाइस अब ये इतनी मोटी मोटी होती है देखिए, और सूखने के बाद इतनी सी हो जाती है। तो मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ कुछ। ये देखिए ये है सूखी हुई, ये है अभी सूखने वाली है, और ये सूखी हुई है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस कितना सारा है। तो अभी गाइस डालना स्टार्ट कर देते हैं इस ताड़पत्री के ऊपर, इस अपनी दाल को खुला खुला डालना पड़ेगा, और इसमें ना आए इसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो अभी गाइस मैंने यहाँ पर मोबाइल को सेट, देखिए मैंने यहाँ पर इतना सारा डाल दिया है पूरा बिखेर के। और ये देखिए ये है अभी सूखने वाली जो है, ये वाली है, और ये सूख गई हुई है। देखिए दोनों में डिफरेंस कलर का भी। अभी गाइस ये तो दाल तो सूखने के लिए रख रही है, और बाहर तो बहुत तेज धूप हो रही है, और ये तीनों मजे कर रहे हैं, तीनों को भी स्कूल को छुट्टियाँ है। तो अभी गाइस ये लोग तो ऐसे ही खेलते रहेंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ, हमारे स्कूल में एक साइंस एग्जीबिशन है छोटा सा, तो अभी मैं स्कूल जा रहा हूँ फिर से,
आकर और फिर से जा रहा हूँ। अभी 5 बजने वाले, तो 5 बजे जाना है। तो अभी कपड़े स्कूल के पहनने हैं, स्पोर्ट ड्रेस, तो अभी चलते हैं, कपड़े वगैरह बदलते हैं और स्कूल को चलता हूँ और व्लॉग करता हूँ सीधा वहाँ से आने के बाद। अभी गाइस मैं तो जाकर आ चुका हूँ स्कूल को, और अभी मैं यहाँ पर घूम रहा था और अभी हमें जाना है गाँव में कुछ चीज़ें खरीदने के लिए। तो अभी गाँव में जाएंगे और कुछ चीज़ें खरीद के लाएंगे, सब्जी वगैरह लाने जाना है। और आज तो मेरा बहुत अच्छा गया एग्जीबिशन, जो कुछ था प्रोजेक्ट वगैरह हमने बनाए थे वो तो बहुत अच्छा गया, तो इसीलिए हमारा सिलेक्शन हो गया। और हमें कल फिर से और एक गांव में जाना है और वहाँ के गांव के लोगों को बनाकर दिखाना है वर्किंग मॉडल। तो बहुत अच्छा गया आज का हमारा, लेकिन उसमें बहुत टाइम भी लग गया, 4-5 घंटे लग गए। लगभग मैं ऐसे 5 बजे गया था और अभी बज रहे शाम के 9। तो मैं अब जाकर घर पहुँचा हूँ और खाना पीना हो चुका है और अभी मैं जा रहा हूँ गांव में। तो अभी गाइस हम लोग तो पहुँच चुके हैं अपनी फैक्ट्री पे और मैंने गेट लगा दिया है, तो अभी चलते हैं घर पर जाकर सोना है क्योंकि कल सुबह स्कूल है मेरी। जैद को तो आज से छुट्टियां लग गई, तो अभी कल से मुझे अकेले जाना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि मेरी स्कूल आधी होने वाली है, हाफ, यानी कि 9 से 1 तक, सुबह 9 बजे जाने का और दोपहर में 1 बजे आने का, तो हाफ स्कूल होगी, ये एक अच्छी बात है। और बाकी तो लेक्चर्स वगैरह थोड़े थोड़े हो गए, यानी कि आज 3 हो गए, कल 3 हो गए, ऐसे हो गए। तो अभी तो मैं जाता हूँ सोने के लिए, इस व्लॉग को करता हूँ एंड। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।